मेरा चैनल किसी भी राफ्टिंग को किसी भी खेल को सपोर्ट नहीं करता है, ये आप अपने रिस्क पे करते हैं। गेट डाउन, यस गुड। हेलो गाइस, अभी हम ऋषिकेश में हैं और रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 500 रुपए दिया है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ऋषिकेश से मैं इसी रास्ते से कई बार गुजरा हूँ, लेकिन आज तक मैं कभी ऋषिकेश में एक भी दिन रुका नहीं हूँ, ना तो कहीं घूमा हूँ, और मुझे पता भी नहीं है। मैंने आज कोई रिसर्च भी नहीं किया है कि ऋषिकेश में घूमते कैसे हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं। तो ये सारी जानकारी आज मैं आपको बताऊँगा कि एक अननोन पर्सन अगर ऋषिकेश में आ जाता है तो कैसे घूमता है, उसको क्या क्या यहाँ पर फेस करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन करने के बाद आज हम आए हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में जो मैंने रूम लिया है 9 लोगों के लिए, वो इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बेड ये है, डबल बेड ये है। तो हम 4 लोग इस पे सो गए थे, 4 लोग इस पे सो गए थे। हमारा ये कमरे में पूरा सामान बिखरा हुआ है, और ये रहा लेटरिन बाथरूम, तो आप ये देख सकते हैं, और यहाँ पर मेरा ये सारा सामान है। तो इस तरह से दिखता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रूम है मुझे 2500 रुपये का पड़ा था 9 लोगों के लिए। तो हमने इसको रात में 2 बजे लिया था, और आज इसको 12 बजे खाली करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश घूमने के लिए। तो चलिए ऋषिकेश में आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। यहाँ पर मिल गया छोले कुलचे, 50 रुपये प्लेट हैं, और यहाँ पर मैंने अपना लिया था रूम। यहाँ पर रूम लेने के बाद जस्ट रूम के बाहर यहाँ पर आपको मिल जाएगा छोले कुलचे, छोले हैं और ये है कुलचे। अच्छा है, ठीक है, 50 रुपये में है, किसी केस में आप खा ही सकते हो। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है मेडिएट, और यहाँ पे है योग निकेतन आश्रम, और इसके बाद यहाँ पर है योगेश्वर नंद घाट। तो अब हम चलते हैं इस घाट के माध्यम से, देखते हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं ऋषिकेश में आके इन अट्रैक्टिव प्लेसेस को देखकर क्या मैं अट्रैक्ट हो सकता हूँ या नहीं। यहाँ पर लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, और यहीं पर कुछ लोग बैठ के खा पी रहे हैं। वो है राम झूला है ना भाई? वो ये ओंकार नंद घाट का है, और ओंकार नंद घाट पे आपको ये प्लेन मैगी, वेज मैगी, मसाला मैगी, ये सब इतने रुपए में मिल जाएंगे इनकी। तो ये जैसे कि अयोध्या में अपना सरयू घाट है, उसी तरह ये घाट बनाया गया है, और अपने अयोध्या में नहाने के लिए थोड़ा सा बनाया गया है आर्टिफिशियल, लेकिन यहाँ पे ये ओरिजिनल है। तो आप मेरे पीछे ये ओंकारेश्वर घाट देख सकते हैं, ऋषिकेश का है, और ये है हाथ में मेरे दोना, और यहाँ पर है ये गोलगप्पा। तो मैं चल रहा हूँ यहाँ पर गोलगप्पा खाने, 20 के 5 दे रहे हैं। पानी वानी कैसा है भैया आपको? बढ़िया है, एक बार खिला के दिखाओ। हमको खट्टा चाहिए पूरा, थोड़ा तीखा। हाँ तीखा चाहिए, तीखा चल जाएगा। हम यहाँ पर आए हैं तो हमें भी राफ्टिंग करने का मन कर रहा है, क्योंकि पूरा ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए, योग के लिए जाना जाता है। तो हम 550 रुपये में 16 किलोमीटर की राफ्टिंग को फिक्स कर रहे हैं, और फिक्स हो जाएगा तो हम आपको आगे भी दिखाएंगे। इस तरह से हमने ये गंगा रिवर टूर को, जितने पर्सन हैं उनके नाम, एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर और उनका साइन लिख दिया है। एंड दिस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग इफ एनीथिंग हैपेंड टू यू। तो 6 लोगों का 550 के हिसाब से हमने इतना पेमेंट यहाँ पे जमा कर दिया है। तो अभी हम आ चुके हैं राफ्टिंग के लिए, और ये है शिवपुरी। तो शिवपुरी जो है ऋषिकेश से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये 16 किलोमीटर की राफ्टिंग है, जिसके लिए हमने 550 रुपये पे किया है। वहीं अगर आप ब्रह्मपुरी में आते हैं तो ब्रह्मपुरी का 8 किलोमीटर का राफ्टिंग होता है, और अभी ये अपना इंस्ट्रक्शन बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। सो वी हैव टू नो, व्हाट डू यू वांट टू से? सो वी आर फाइनली हेडिंग टू डू टुवर्ड्स राफ्टिंग, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। एंड मेरा चैनल किसी भी राफ्टिंग को किसी भी खेल को सपोर्ट नहीं करता है, ये आप अपने रिस्क पे करते हैं, और राफ्टिंग एक जानलेवा रिस्क है। करते हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने एंजॉय के लिए और अपने खुशी के लिए कर रहा हूं, तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। सब लोग एक साथ चलाएंगे, ठीक है? सब लोग एक बार कैमरे की तरफ देखिए, बोले गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय। गुड, रैपिड टाइम, कीप पॉइंट, ओके, चिल्लाना नहीं है।
आप लोग चिल्लाओगे, मेरी कमांड नहीं सुन पाओगे, ठीक है। बोट कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, किस पत्थर के ऊपर जा रही है, ये मत देखना, ये आपका काम नहीं है, मेरा काम है। ये आपका काम है सिर्फ मेरे को स्पीड देना ताकि मैं अच्छे से निकाल सकूँ, समझ गए सब लोग। चलाइए फॉरवर्डिंग, चलाइए चलाइए, थोड़ा फास्ट चलाइए, एक साथ चलाइए चलाइए। चलाइए चलाइए, चलाइए 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 चलाइए, चलाओ चलाओ। चलाइए चलाइए चलाइए, चलाइए चलाइए चलाइए, ओके स्टॉप। सब लोग बाहर होके बैठिए बैठिए, कैमरे की तरफ देखिए, बोले गंगे मैया की, गंगे मैया की। ओके दूसरा रैपिड आ रहा है, ठीक है, इसका नाम है क्लब हाउस। चलाइए फॉरवर्ड, सब लोग कैमरे की तरफ देखो, बोलो गंगे मैया की, हर 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 हर। गुड भाई, पानी किसी से पूछ के थोड़ी आएगा कि आऊं, वो तो आ जाता है, टेंशन नहीं लेने का इतना। इस सेशन का मेजर और डेंजर रैपिड आ रहा है, ठीक है। इस रैपिड का नाम है गोल्फ कोर्स, यस। इसमें पैडल अच्छे से चलाना है, जान लगा देना है साला। और दूसरी चीज पता है क्या, सुनो, इसमें मैं कमांड दूंगा गेट डाउन, तो गेट डाउन में क्या करना है, हाँ रस्सी पकड़ के अंदर आना है, करो जरा गेट डाउन, यस गुड, गेट बैक, शाबाश। एक कमांड याद रखना, ठीक है, चलाइए फॉरवर्ड, शाबाश, लगाओ जान। ओके स्टॉप भाई, ज्यादा हिलो मत, बॉडी वेट बाहर रखो, बॉडी वेट बाहर रखो सब लोग अपना। चलाइए फॉरवर्ड, एक साथ चलाइए, स्टॉप। फॉरवर्ड एम, चलाइए एक साथ, स्टॉप। भाई सांस ले लो, चलाइए फॉरवर्ड एम, चलाइए फॉरवर्ड, स्टॉप,
जाएगी, बट 2 महीने के लिए बंद होती है बस। चलाइए फॉरवर्ड एम, राम जलम देख रहा हूँ। सब लोग इधर देखो, बोलो गंगे मैया की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। उधर देखिए, उधर क्या हो रहा है। भैया अभी हम पानी में जंप करेंगे, ठीक है। पानी में जंप करने के बाद जब हम वापस आएंगे पोर्ट पे, तो हम मैगी पॉइंट पे रुकेंगे। वहाँ पे मैगी, चाय, जो भी पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक सब मिलता है वहाँ, ठीक है, समझ गए। बैन हो गया दोस्त वो तो, यार गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। चलाइए फॉरवर्ड एम, स्टॉप। सब लोग बोलो फिर से एक बार, गंगे मैया की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। गुड, चलाइए फॉरवर्ड एम। श्रीकार दीदी कर, अब यहाँ देख, कहाँ देख रहा है तू, स्टॉप। चलाइए फॉरवर्ड एम, गंगे मैया की। इधर देख के, गंगे मैया की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। 1 2 3 गो। रस्सी पकड़ भाई, उदो अंकल जल्दी शकल देखा भाई, इधर इधर देख भाई, तू साइड वाली भाई, उसको इधर बुलाओ यार। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ भाई, लोग कर दो फिर आपके पास आ रहा हूँ। नहीं जा पाओगे, बंद हो गया भैया, चल रहा है, हो गया। चलो भाई अब तुम्हारी बारी मैडम, गुस्सा गुस्सा काहे हो रही हो, चल भाई। परी हूँ मैं, परा बन गया तुम्हारा परी का। अबे इस पे नहीं भिगाना, इधर देखो भाई, भाई मजा आ रहा है, बहुत। अगली बार वेट कम करके आना बस, बस भाई हो गया। बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की। वी गाइस आर एंजॉयिंग इन राजस्थान, गंगा मैया की। पानी में रन दो उसको, पागल को जो भी है। इधर देखो भाई कैमरे की तरफ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। वाह,
राफ्टिंग करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है, मैगी पॉइंट होता है, जहाँ पर आपको मैगी वगैरह खाना होती है। तो यहाँ पर वो पीछे जो मेरी दुकान है, यहाँ पर अभी हम आराम करने के लिए रुके हुए हैं। और यहाँ पर मैगी का रेट है 60 रुपये और पानी होगा 40 रुपये बोतल। तो इनका एक फिक्स पॉइंट होता है, वहाँ पर आपको मैगी बना के दी जाती है। तो ये है इनकी भैया की दुकान। सो हेलो गाइस, अभी हम ऋषिकेश में हैं और रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 500 रुपये दिया है और इसका भरपूर मजा ले रहे हैं। और ये देखो, मैंने अपने सारे हाथ छोड़ दिए हैं। जी जी मेरे जब मैंने पहली कैसे कैसे लोग हो यार, मैंने कॉल किया लेकिन भाई क्या कर रहा है। रिवर राफ्टिंग मेरी ख़त्म हो चुकी है और उसको करने में मुझे करीब 2 से 3 घंटे लगे हैं, क्योंकि 1 बजे गया था करने के लिए और अभी 4 बज रहे हैं, तो मान के चलो कि टोटल 3 घंटे लगे हैं। और इस 3 घंटे के सफ़र में इंजॉय बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने को मिला। और रिवर राफ्टिंग ज़्यादा डरावनी तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है, आप उसको संभाल के आपको चलना पड़ता है। बेसिकली रिवर राफ्टिंग में क्या होता है कि आपने जिस भी दुकान से अपना रिवर राफ्टिंग का बुक किया है, वो अपने दुकान पर आपका मोबाइल, शूज़, बैग वगैरह सब जमा करवा देते हैं, और मोबाइल आप अपने साथ भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद वो आपको गाड़ी में बिठाएंगे, गाड़ी में बिठाने के बाद आपको लेके जाएंगे 8 किलोमीटर या फिर 16 किलोमीटर, जिस तरह से आपकी राफ्टिंग होगी वहाँ पर आपकी राफ्टिंग करवाएंगे। आपको एक इंस्ट्रक्शन देंगे आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे चलाना है। उसके बाद आप अपना मोबाइल उनमें जमा कर सकते हो। उनके सिप में एक वाटरप्रूफ बैग होता है, आप उसमें अपना मोबाइल वगैरह सब कुछ सबमिट हो जाता है। जो शूज होता है, आपका बैग होता है, वो जिस गाड़ी से आप जाते हो वहाँ, वो लाकर वापस जहाँ से आप अपने बुकिंग की थी सिप के लिए, वहाँ पर वो रख देता है। और आप राफ्टिंग करके फिर उसी जगह आते हैं, राफ्टिंग करते करते जिस दुकान पर आप अपना बुकिंग करवाए। इस वीडियो में हमने आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया रिवर राफ्टिंग के बारे में, कैसे बुकिंग करना है, कैसे राफ्टिंग करना है, और वीडियो क्लिप भी दिखाया आपको राफ्टिंग का, कितना मज़ा आता है। तो जिन्होंने यहाँ तक आकर पूरी वीडियो को देखा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर महादेव।